भोपाल में पहले चलते थे तांगा, उसके बाद चले छोटे ऑटो, इन सब के बाद में सिटी बस चली और फिर स्मार्ट बस चली, लेकिन अब हम मेट्रो में सफ़र करेंगे। इस तरह से भोपाल ने तांगे से लेकर के मेट्रो तक का सफ़र किया है। ये बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को मेट्रो के ट्रायल रन के दौरान कही। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ में मंत्री विश्वास सारंग और कई वरिष्ठ बीजेपी के नेता भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुभाष स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर मेट्रो के ट्रायल रन का शुभारंभ किया और स्वयं भी मेट्रो में रानी कमलापति स्टेशन तक का सफर तय किया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मेट्रो भोपाल में परिवहन की क्रांति लेकर आई है। मेट्रो में बैठकर लोग झील को देखेंगे, जल्द ही इसका लोगों पर अवसर भी मिलेगा। हमने जो कहा गड्ढों वाले प्रदेश से लेकर के अब हमारा मध्य प्रदेश मेट्रो वाला प्रदेश बनने वाला है। मध्य प्रदेश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। भोपाल को हमने तांगे में सफर करते हुए देखा और तांगे के सफर से टेम्पो, ऑटो, टैक्सी, सिटी बस, BRTS बना यहाँ। और आज भोपाल ने एक लंबी छलांग लगाई है मेट्रो का सफर शुरू करके। आज मेट्रो का सफल ट्रायल रन हुआ है। जब भोपाल में मेट्रो हमने प्लान की थी तो लोग आलोचना करते थे कि हो नहीं सकता ये, लेकिन मेट्रो भोपाल में चले ये हमारा सपना भी था और संकल्प भी था। आज जो संकल्प पूरा होते हुए देख के मैं अत्यंत प्रसन्न हूं और सभी भोपाल वासियों को कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। परिवहन के क्षेत्र में एक क्रांति है, सुगम, सुरक्षित, सस्ता, सुलभ, सुविधापूर्ण एक ऐसा सफर जो भोपाल के विकास को एक नई दिशा और गति देगा। अपना भोपाल भी अब मेट्रो भोपाल भी हो गया है। बड़ी तेजी से काम हमने प्रारंभ किया और जो चीज लगभग लग रही थी असंभव उसको संभव करके दिखाया है। 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ये प्रोजेक्ट अब साकार रूप ले रहा है। भविष्य में 31 किलोमीटर तो हम पूरा करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ मंडीदीप, सीहोर और बाद में और सुरक्षित और सुगम यात्रा करने के लिए विदिशा जैसे, रायसेन जैसे शहरों को भी जोड़ने की योजना बनाएंगे। आज भोपाल को बधाई, भोपाल वासियों को बधाई, इंदौर के बाद भोपाल में ये मेट्रो का सफर प्रारंभ।